अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। जनपद एसओजी को एक ऐसा गिरोह मिला है, ये नए तरह का गिरोह आप देखेंगे, ये शराब की दुकानों को निशाना बनाता है, शराब या बियर की दुकानों को। और रात में एक इको गाड़ी चलते हैं, 5 सदस्यीय गैंग है, और ये उस शराब की दुकान में नकब लगाकर, छेद लगाकर वहाँ पे जो जितनी भी पेटियाँ शराब की मिलती थी इको गाड़ी रख लेते थे। इसी तरह बियर की दुकान में भी जितनी बियर की बॉटल्स मिलती थी इनको पेटियाँ मिलती थी, इको गाड़ी रख लेते थे, फिर इसको अपना घूम घूम के बेच लेते थे। फिर जब ये ख़त्म हो जाता था स्टॉक, फिर किसी ऐसे ही दुकान को ये निशाना बनाते थे। अभी जनपद में दो घटनाएं ताबड़तोड़ इस तरह की हुई, एक टुंडला में हुई थी, तहसील तिराज के पास शराब की दुकान में नकब लगाकर 40 पेटी चुराया गया था वहाँ से, और उसी के दो चार दिन पहले नारकी तिराज एक बियर की दुकान थी, वहाँ से 15 पेटी बियर इन्होंने चुराया था। ये सब माल इनके पास से बरामद हुआ है। कल मुठभेड़ के दौरान शिक्षागंज पुलिस और एसओजी को सफलता मिली है, इनके पास तमंचे और कारतूस भी मिले हैं और चोरी का पूरा माल मिला है। इस तरह से इस गैंग के पकड़े जाने से जो ये शराब की दुकानों में चोरियां हो रही थी लगातार, उनमें निश्चित रूप से अंकुश स्थापित हुआ।